नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच लगातार आपके लिए लेकर आ रहा है अंधविश्वास और पाखंड की पोल खोल के लिए पौराणिक कथाओं से ऐसे ऐसे तथ्य जो अंधविश्वास और पाखंड को दूर भगा देंगे। तो साथियों, आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है जिसमें पौराणिक कथाओं में शिव जी के बारे में या कैलाश पर्वत के बारे में या वैकुंठ धाम के बारे में जो दूरियां इंगित की हैं, जो दूरियां बताई गई हैं, और वो दूरियां इतनी हैं कि जो ये सिद्ध करती हैं कि ये सारे कहना कैलाश पर्वत, वैकुंठ धाम, ये सब पृथ्वी पे ना होकर पृथ्वी से कहीं करोड़ों कोसों दूर है। इसी को आप सभी को आज स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे अंधविश्वास और पाखंड पुराणों में परोसा गया है। तो साथियों, आज जो हम पुस्तक लेके आए हैं, हमारी वही चिर परिचित पुस्तक शिवलिंग पूजा क्यों। इस पुस्तक में आप देखेंगे किस प्रकार कामदेव को भस्म कर देते हैं और काम पिपासा जिंदा रहती है। यही हमारे पुराणों में व्याख्यात किया गया है। कैसे 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 लोग हुआ करते थे जो समाज को बहकाने के लिए, समाज को अंधविश्वास और पाखंड की गर्त में गिराने के लिए लगातार प्रयासरत रहे थे। 18-18 पुराण लिख डाले कि ये ओबीसी एससी एसटी समाज कैसे अंधविश्वास के जाल में फंसकर उनका दास बना रहे। तो साथियों, आज जो पुस्तक है उसका नाम आप सभी जान चुके हैं, और सबसे पहले इसमें देखेंगे कि शिव ने, जो हमारे भोलेनाथ हैं, उन्होंने कैसे कामदेव को भस्म किया। तो आइए, पेज नंबर है 120 और शीर्षक जो इस पुस्तक में दिया गया है वह है क्या शिव ने कामदेव को भस्म किया था। पुस्तक ये सामने है आपके। और शंकर के बारे में बहुधा यह कहा जाता है कि उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। इस विषय में अनेक प्रकार की कहानियां गढ़ ली गई हैं, पर हमारा कहना है कि शिव के जीवन चरित्र की इन घटनाओं को देखकर भी व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता और ना करना चाहिए। कामदेव के प्रभावों को योग संयमी व ब्रह्मचारी जन ही जीत सकते हैं। शिव जी का जीवन तो पुराणों के अनुसार अत्यधिक कामुक, श्रृंगार रस से परिपूर्ण एवं विलासितामय रहा है। वह विलासिता कैसी? वह विलासिता जो राक्षसों के अंदर प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी शराब पीना, मांस खाना और नारियों के साथ, तरह तरह के नारियों के साथ संभोग करना, रासलीला करना, इस तरह राक्षसों की प्रवृत्ति बताई गई है। लेकिन ये पुराण बताते हैं कि शिव भी ऐसे थे। तो यह समझने वाली बात है कि शिव वास्तव में क्या थे। तो आइए देखते हैं, जिसके हमने कुछ उदाहरणगत पृष्ठों में दिए गए हैं, जो उदाहरण है आगे के पृष्ठों में कुछ दिए गए हैं, वो उदाहरण स्पष्ट हो जाएंगे। कहा जाता है कि शिव जी कैलाश पर रहते थे। यह बात बड़ी ही हमारे समाज में प्रचलित है। यह कैलाश को शिव का निवास बताया जाता है। तो वह निवास कहाँ है, कैसे है, यह सुस्पष्ट है। आगे जो चंद लाइनें पढ़ेंगे हम, आपको स्पष्ट हो जाएगा। शिवजी कैलाश पर रहते हैं और वह कैलाश नामक स्थान हिमालय पर्वत पर है। यह भी अंधविश्वासी धर्म भक्त जनता को बहकाने के लिए पौराणिक विद्वानों द्वारा उड़ाई गई बेसिर पैर की कोरी गप है, क्योंकि गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित ग्रंथ में निम्न प्रकार लिखा गया है। यानी जो यहाँ पे पृथ्वी पर जो कैलाश है, जिस कैलाश पर्वत की बात करते हैं, इसके विषय में गीता प्रेस की जो गोरखपुर की प्रकाशित पुस्तक है उसमें लिखा गया है कि वैकुंठ और कैलाश की स्थिति क्या है, वह कहाँ है। तो पुस्तक क्या शीर्षक लिखती है? वैकुंठ और कैलाश की स्थिति का निर्णय। वैकुंठ धाम पृथ्वी से 16 करोड़ योजन। अब आप इस बात को गौर करिएगा, अपने जहन में डालिएगा, इसको फैक्ट चेक करिएगा कि वैकुंठ धाम पृथ्वी से 16 करोड़ योजन ऊपर स्थित है, जहां सबको अभय दान करने वाले साक्षात भगवान लक्ष्मीपति निवास करते हैं। वैकुंठ की अपेक्षा 16 गुनी ऊंचाई पर, अब आप इसको ध्यान दीजिएगा,
बैकुंठ की अपेक्षा 16 गुनी ऊंचाई पर शिवजी का निवास स्थान कैलाश धाम अवस्थित है, अर्थात पृथ्वी से 2,55,00,000,000 योजन की दूरी पर स्थित है, जहां गिरिराज नंदनी उमा गणेश जी कार्तिकेय जी तथा नंदी आदि के साथ कल्याण स्वरूप भगवान विश्वनाथ स्वयं शिवजी विराजमान है। यह लिखा कहां गया है? यह लिखा गया है संक्षिप्त स्कंद पुराण काशी खंड पूर्वार्ध पृष्ठ 571 पे। एक योजन 4 कोस के बराबर होता है। इस प्रकार पृथ्वी से 10,24,00,000,000 कोस यानी प्रायः 20,00,000,000 मील ऊपर आकाश में कहीं शिवजी अपने कुनबे के साथ रहते हैं। हमारे भोले पौराणिक बंधु मंदिरों में घंटे पीटते पीटते थक जाएं या नमः शिवाय चिल्लाते चिल्लाते मर भी जाएं तो भी विष्णु शंकर या गणेश जी उनकी पुकार नहीं सुन सकते, वो कितनी दूर हैं। स्कंद पुराण के इस लेख पर एक प्रश्न पैदा होता है, वह प्रश्न यह है कि यह जमीन प्रतिक्षण घूमने से आकाश में अपनी स्थिति बदलती रहती है। प्रातःकाल तो हमें जो तारे हमारे सिर पर होते हैं, दोपहर को वो हमारा घर उनसे हटकर दूसरे तारों के सीध में हो जाता है, सायंकाल व रात्रि में हम नई दिशा में होते हैं और प्रातःकाल जमीन घूमकर हमें पुनः पहले की दशा में लाकर खड़ा कर देती है। यह आप सभी को भौगोलिक स्थिति का ज्ञान है। इस प्रकार आकाश की ओर हमारी स्थिति प्रतिक्षण बदलती रहती है। पुराणकार लिखता है कि विष्णु लोक व कैलाश इतनी ऊंचाई पर है, यहाँ ऊपर शब्द का कोई अर्थ नहीं है, जब तक सूर्य की अपेक्षा से समय व दिशा का निर्देश न किया जाए। स्पष्ट है पुराणकार की यह गप अधूरी है, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं था पृथ्वी के घूमते रहने से ऊपर की दिशा हर समय बदलती रहती है। फिर ऐसे दूर रहने वाले विदेशी देवता की पूजा से लाभ भी क्या है, जो 10,000 साल तक पार्वती के साथ विषय संभोग में तल्लीन रहा करे, जैसा कि पुराण में लिखा गया है, और उस व्यसन में फंसे रहने के कारण दिन रात पुकारने वाले अपने भक्तों की खबर नहीं ले सकता। तो आप सभी ये भी स्पष्ट है कि शिव जो हैं वो 10,000 साल मतलब पार्वती के साथ संभोग में मस्त रहते थे, वो जो 10,000 मस्त रहेगा, आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र मात्र होगी 100 साल ज्यादा से ज्यादा, या 125 साल 10 साल, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जो उम्र मैंने बताई है, ये उम्र भी लाखों लोगों में 2-4 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो वहां तक पहुंचते हैं। तो यह आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि जो 10,000 साल पार्वती के साथ संभोग में मस्त रहता हो, आपकी उसके आगे उम्र एक बहुत बौनी साबित होगी, वह कैसे आपकी सुध लेगा, कैसे आपकी देख रेख करेगा, यह आपको समझना होगा, तभी जाके इस ब्राह्मणी इस मनुवादी जाल से आप निकल पाएंगे। क्योंकि यह मनुवादी जाल जो है, यह ऐसे इस तरह से ये नेट बुना हुआ है कि आप इधर से छूटेंगे उधर फंस जाएंगे, उधर से छूटेंगे उधर फंस जाएंगे, ये पूरा का पूरा मकड़ जाल जो तैयार किया हुआ है, ये बहुत ही खतरनाक और साजिश युक्त है। तो इसे समझने के लिए हमें इन पौराणिक ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, इनके झूठ का, इनके ये जो पूरा का पूरा झूठ का प्रोपोगंडा खड़ा कर रखा है, इसका पोल खोलना होगा, क्योंकि हमारे भोले भाले लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि कैसे इन ईश्वरों के चक्कर में हम लोगों को उलझा के समेट के रख दिया है। आइए चलते हैं पुस्तक की ओर। जिस बुलंद तकदीर वाले शंकर को अरबों खरबों बेहद खूबसूरत औरतें बकोल भगवत पुराण के हर समय घेरे फिरती हों, वह इस जमीन के काले कलूटे जीने मरने वाले पौराणिक हिंदुओं की भला क्या परवाह करेगा? व्यर्थ में ये लोग शंकर पर मोहित होकर उसके लिंग को पूज पूज कर अपना जीवन बर्बाद करते हैं। जब शिवजी सर्वव्यापक एवं घटघट के वासी नहीं हैं, तो अपने भक्तों के हृदय की बात भी नहीं जान सकते हैं।
तो अपने भक्तों की हृदय की बात नहीं जान सकते हैं, फिर ऐसे देवता का ध्यान करने से लाभ ही क्या है। अब आगे देखिए, देखिए ईसाइयों का खुदा चौथे आसमान पर, मुसलमानों का खुदा सातवें आसमान पर रहता है, तो हमारे पुराणों का जो खुदा शंकर प्रायः 20 अरब मील ऊंचे आसमान में कैलाश पर निवास करता है। आखिर हमारे पौराणिक लोगों के खुदा देवता गण ईसाई व मुसलमानों के खुदाओं से किसी बात से कम क्यों रहें? बहुत संभव है कि यह गप भी यवनों के खुदा से अपने देवता को ऊंचा सिद्ध करने के लिए स्कंद पुराण में गढ़ी गई हो। इन बातों में सच्चाई क्या है, यह तो पुराणों को मानने वाले या उनके प्रकाशक, पौराणिक संस्थाएं अथवा शिवलिंग को पूजा करने वाले भक्त लोग ही बता सकते हैं, क्योंकि संभव है उन्होंने वास्तविकता की तहकीकात कर ली होगी। तो हमारे समाज में आज जो अंधविश्वास और पाखंड व्याप्त है, जिस कैलाश की और जिस बैकुंठ की बात करते हैं, लोग कहते हैं कैलाश हिमाचल पर्वत पे है, लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर की जो पुस्तक है वो साफ साफ लिख रही है कि वो यहां से बहुत कोसों दूर है। तो कैसे हम लोगों को भ्रमित करके, हम लोगों को माया के मकर जाल में, हम लोगों को अंधविश्वास आस्था के मकर जाल में कैसे हम लोगों को फंसाकर सत्ता कायम करना चाहता है? वो यहां पर वह अपनी सत्ता कायम करना चाहता है, जातिगत श्रेष्ठता बनाए रखना चाहता है, और जातिगत श्रेष्ठता बनाकर आपके ऊपर दिशा निर्देश करना चाहता है कि वह आप उसके अनुसार चले। किसी भगवान की पूजा करोगे तो आप उसके अनुसार करो। आप सभी को पता होगा कि रक्षाबंधन, जैसे अभी हाल ही में गया रक्षाबंधन, उसने बता दिया कि रक्षाबंधन रात में कर बांधना है। आप यानी वो देख रहा है, आप रात में बांधने लगे, वो समझ गया, वो देखता है कि मेरे बनाए हुए मूर्ख लोग बन रहे हैं कि नहीं। आप बन रहे हो यह सिद्ध करते हो। तो यही ये पुस्तकें भी यही बताती हैं। पुस्तक में साफ साफ लिखा गया है कि बैकुंठ और कैलाश, यहां पृथ्वी से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो पृथ्वी से कोसों करोड़ों कोसों दूर है, जहां आपकी ना आवाज पहुंच सकती है ना आपकी बात पहुंच सकती है, और वहीं आपके शिव 10,000 साल संभोग में मस्त रहते हैं। तो वो कैसे सुध लेते होंगे कि धरती पर हमारे हमें लोग याद कर रहे हैं? मेरी उम्र 60-70 साल 80 साल से ज्यादा नहीं होने वाली है, और इसमें भी ये भी नहीं पता कि मैं कब तक रहूं या ना रहूं उस, तो और यहां पर मैं लगा हुआ हूं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपने में, और उधर वो मस्त है संभोग में। अब मेरी बात उसे सुनाई नहीं दे रही और मैं यहां पागलों की तरह लगा हुआ हूं। तो यही बात समझने की जरूरत है कि कोई भगवान इस तरह का नहीं हो सकता जो लगातार 10,000 संभोग में मस्त रहे, क्योंकि उसके संभोगों से यदि ऐसा कुछ होता कि वो संभोग में मस्त हैं, तो अब तक हम लोगों को देवता भी बहुत सारे मिल चुके होते। आप देख लीजिए गणेश मैल से पैदा, कार्तिकेय कैसे पैदा, ये आप सभी को पता है। तो इनके संभोग से अभी तक बच्चे भी एक भी नहीं आए। तो ये जो पुराणकार हैं, ये महाधूर्त और पाखंडी हैं, ये आपको अंधविश्वास और पाखंड के जाल में गिरा रहे हैं, और इस जाल में आप ना गिरकर आप इनसे सवालात करिए कि यह कैसे। तो साथियों, आप सभी को अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त करने के लिए ही जागो पंच ने यह कदम उठाया है कि आपको पौराणिक पुस्तकों की कुछ कहानियां, कुछ सत्यता आप तक पता चले, आप तक पहुंचे, तभी आप अंधविश्वास और पाखंड को करीब से जान पाएंगे। तो आज की ये जो कहानी थी, आज की ये पौराणिक कहानी थी, आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जो हमारे नए साथी इस वीडियो को देखते हुए यहां तक पहुंचे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा।
नमस्कार।